फ्रेंड्स मुदबर मैं निकल चुके हैं इस नए रेस्टोरेंट को देखने के लिए, विजिट करने के लिए। तो देखते हैं कैसा है और किस तरह का इंटीरियर है वहाँ पर वगैरह वगैरह। तो देखते हैं अंदर जाके हमें पता चलेगा। फिलहाल तो हम चीनी चौक में, देखते हैं अभी कितना चलना है। No matter how hard I try, I need you when your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? सो फ्रेंड्स हम टेस्ट करने वाले यहाँ के बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स। तो देखते हैं इनका जायका कैसा है। उन्होंने हमें डिप भी दिए। मिस्टर भाई जरा डिप की तरफ दिखा थोड़ा। तो उन्होंने हमें डिप दिए और कुछ है। बोनलेस स्ट्रिप्स जो है यहाँ की अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार है। तो पहले हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे व्लॉग हम शूट करेंगे। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना तो हो चुका है यहाँ पे और इनकी जो सर्विस है बड़ी अच्छी है। सर्विस ही क्विक देते हैं। और रही बात यहाँ की मेन्यू की, तो यहाँ के मेन्यू पे भी एक और नज़र हम डालते हैं फिर से। तो बाकी जो मैं अभी तक जल्दी रेस्टोरेंट पे गया हूँ उनसे तो काफ़ी कम ने प्राइस रखा हुआ है यहाँ पे। चिकन वगैरह तो बहुत कम प्राइस रखा है उन लोगों ने। तो आपको मैं एक बार इनका मेन्यू दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ का मेन्यू जो है खुद ही कम रेटिंग रखी है, मीडियम रखी है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है आराम से, वो बात नहीं है। आप तो रही बात यहाँ की इंटीरियर की, आपको पूरा इंटीरियर दिखाएंगे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर। तो मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा यहाँ का। सिर भाई तो आप इस तरफ देख लो इंटीरियर इनका, बड़ा ही अमेजिंग इंटीरियर है यहाँ का। सबसे पहले तो मुझे इनकी जो है टेबल बहुत अच्छे लगे, टेबल बड़े ही प्यारे हैं इनके। और यहाँ से और इस तरह से भी बहुत ही अच्छा इंटीरियर अच्छा है ना यहाँ से। और रही बात फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपसे, रही बात यहाँ के मेन्यू की, इतना सस्ता है ना बल्कि अलग ही लेवल का मेन्यू है यहाँ का। और मुझे तो खाना आते आते अलग ही फील आ गई। मुझे लगा मैं कहीं जगह दूसरी जगह फॉरेन में अभी हूँ। तो इतना प्यारा इनका ये है कैफे। तो ये देख सकते हैं आप, ये कैफे है यहाँ का, तो कॉर्नर कैफे। ये देख सकते हैं आप मेन्यू पे लिखा भी हुआ है। तो मैंने आपको मेन्यू तो दिखाई दिया पहले। तो मैं मुदस्सिर भाई से एक बार, रुकेश मुदस्सिर भाई एक बार पूरा यहाँ का व्यू आप ले लो, पूरा कर लेना। और एक और बात, यहाँ पे जो ये जो है फिशेस जो है बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अमेजिंग, सो क्यूट। मुदस्सिर भाई कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। मुदस्सिर भाई आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा, इधर बहुत मजा आया, पहली बार बहुत मजा आया। मुदस्सिर भाई आपको यहाँ पे कैसा लगा आके? भाई कैसा आपका फील अभी तक? आप मेरे साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट में गए हो, आपको ये कैसा लगा इनका ये कैफे है कि नहीं? सबसे प्यारा तो मुझे यहाँ पे ये एक्वेरियम ही लगा। और यहाँ से जो इनका इंटीरियर जो है वगैरह इस तरफ का, ये मुझे बहुत प्यार लगा फ्रेंड्स। तो एक बार नज़दीक से मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इनका इंटीरियर यहाँ का। यहाँ पे तोप रखी हुई है, लुटेरों का वो भी रखा हुआ है, जहाज वगैरह देख सकते, बैल रखी हुई है, मतलब कि अलग ही लेवल का इन्होंने यहाँ पे ये किया है। मुदस्सिर भाई को तो मजा आ रहा होगा ना? मुदस्सिर भाई बहुत मजा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी शॉट गन भी है, जो फ्री फायर लवर पबजी लवर होंगे उनके लिए तो ये प्लेस सबसे बेस्ट है। यहाँ पे शॉट गन रखी है लोगों ने, एनिमी देखा नहीं तो सीधे शूट ही करना है उसको। तो आप देख सकते हैं इनका लुक पूरा
मेरे पीछे का इनका मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे। आपको कैसे ख्याल कैसे इधर पे ऐसा होना चाहिए? मेरा ये आइडिया था कि ये जो है ये ओल्ड टाउन बोल सकते हैं डाउन टाउन बोल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा टच दे दें बाहर का टच दे दें जो ओल्ड अप टाउन का टच डाउन टाउन में लाए, जैसे क्या जैसे कि मैंने आपका मेन्यू देखा, बाकी जो रेस्टोरेंट्स कैफे उनके हिसाब से काफ़ी आपने काम रखा है, रेटिंग बहुत कम रखी है, मतलब ये अच्छी है और आपकी सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पे, और आपका जो खाना वाना जो भी आप यहाँ पर बनाते हो टेस्ट अलग ही लेवल का आता है उसका, लेकिन मुदसर वही मुझे अलग ही टेस्ट यहाँ मिला। और सर इसके बारे में इंडिया की जो आपने इंडिया यहाँ पर किया है मेरी थोड़ी मेहनत है, बाकी आइडिया मेरी वाइफ का है, आपने दोनों ने मेहनत की है इस पे और माशाल्लाह। माशाल्लाह आपका जो ये कहते हैं क्या नाम है इसका आपके साथ? इसका नाम कॉर्नर कैफे। तो कॉर्नर कैफे भैया बहुत इंटीरियर आपने मुझे पसंद आया सर आपका, मैं तो फिर से यहाँ बार बार विजिट कर लूँ, ज़्यादा दूर से मुझे आना नहीं है, बस आगे से आना है जनामली से, तो बस मिलते हैं आप अगली बार इंशाल्लाह। Got no words, I'm just drowning in attraction.